नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं रेबिका कोटी। राज्य के समाचारों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। सीएम बम्बई का कहना है कि कोविड पर कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं है, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। सीडीएस बिपिन रावत ने कर्नाटक में कोडगु के साथ विशेष बंधन साझा किया। टीएसी अध्यक्ष कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओमिक्रॉन पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा। कर्नाटक में तिब्बत बस्ती शिवार में 23 परीक्षण कोविड सकारात्मक। 5 महीनों में जीनोम अनुक्रमण के लिए 6000 से अधिक नमूने भेजे गए, के सुधाकर ने कहा। वीजा दस्तावेज में अधिक समय तक रहने का परिणाम शामिल होना चाहिए, हाईकोर्ट। बेंगलुरु में पारिवारिक आत्महत्या समझौता, डेथ नोट में धर्मांतरण के प्रयास को जिम्मेदार ठहराया। किडनी ट्रांसप्लांट सुरक्षित है, अनुदान करे, डॉक्टर का कहना। ओमिक्रॉन पर अनावश्यक डर बना हुआ है, कहा डीके शिवकुमार ने। फुट एंड माउथ रोग, प्रभावित गांवों में रिंग टीकाकरण। हेजम रिकोड़ी तट से 22 टन कचरा साफ किया गया। भाजपा जनता दल एस सामाजिक न्याय आरक्षण के खिलाफ, सिद्धरामैया का कहना। कर्नाटक में स्कूल के बाद के उल्लंघन के बीच बच्चों में कोविड के मामले बढ़े। कम अमान्य वोट अनुक्षित करने के लिए उठाए गए कदम, सेनाओं ने कहा। एमबी पाटिल ने कहा, जनता दल एस और एआईएमआईएम के बीच कोई अंतर नहीं दिखता। मंडे कांग्रेस या जनता दल एस की संपत्ति नहीं है, नारायण गौड़ा ने कहा। भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सिद्धरामैया का दावा। चमन कट्टी की नाराजगी में सिद्धरामैया को लगता है कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री एस आर मोरे का निधन हुआ। हसन एमएलसी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, उपायुक्त ने बताया। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए धन्यवाद।